दिस इज़ द रफ स्केच एंड दीज विल बी आर नीड्स एंड दीज आर आर मार्किंग्स फुल लेंथ शोल्डर आर्म होल बस्ट वेस्ट हिप स्कर्ट राउंड और स्लीव लेंथ हमें चाहिएगी. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो. बोथ द क्लोथ्स आर ऑफ 2 meters. ये हमारा अस्तर है और हम इसे 2 parts में डिवाइड कर देंगे, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट. और अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट और उसको डबल फोल्ड कर देंगे. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी मार्किंग्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अबाउ. ऊपर हमें स्विंग अलाइंस छोड़ना है आराम से 1 inch का, और फिर नीचे तक लेके हमें उसको मार्क करना है हमारी लेंथ जो कि है 34.5 और 35 inch. और नीचे भी थोड़ा सा स्विंग अलाउंस हम ले सकते हैं. अब हम हमारा नीचे से स्कर्ट का पार्ट मार्क करेंगे जो कि फ्लेयरी होगा, इसलिए हम 1/4 साइड 15 inch का मार्क करेंगे. नाउ वील गो एंड मार्क आर स्विंग अलाउंस अपर साइड. अब हम शोल्डर मार्क करेंगे जो कि होगा 7 inch, और वहाँ से आर्म होल भी होगा हमारा 7 inch. अब हम ड्रॉ कर लेंगे लाइंस. फिर हम मार्क करेंगे हमारा चेस्ट एरिया जो कि होगा 1/4 ऑफ जो भी टोटल होगा उस साइज़ का, एंड हियर वी आर टेकिंग इट 8.5 inch. फिर वहाँ से हमें 7/7 के रूल से मार्क करना है वेस्ट और हिप. सो आर्म होल से 7 inch के बाद होगा वेस्ट, और वहाँ से 7 inch के बाद होगा हमारा हिप. सो नाउ विल मार्क आर वेस्ट जो कि है 1/4 ऑफ व्हाट इज़ द टोटल, सो दैट इज़ 7.5 और 8 inch, एंड हिप 9.5 inch. Now we'll make the line which should be a little curvy, जो अपने आप मार्किंग के हिसाब से curvy आ जाएगा. Swing allowance भी हम साथ में mark कर देंगे. अब हम नीचे से भी mark कर देंगे with swing allowance. अब हम आर्म होल का curve mark करेंगे 1.5, वहाँ से हम mark करके वहाँ से हल्का सा curvy line बना देंगे. As you can see, अब हम इन सब की कटिंग कर लेंगे बैक साइड को लगाकर और ऊपर फ्रंट साइड को लगाकर. हम दोनों को साथ में ही कट कर लेंगे, सो दैट विल मेक आवर वर्क अ बिट ईजी. अब हम दोनों क्लोथ को एक दूसरे के ऊपर पैरल लगा देंगे ताकि हम नेक डिज़ाइन रेडी कर सकें. और हम लोग इसको 1 side शोल्डर ड्रेस बनाना चाहते हैं, सो वी विल मार्क आर शोल्डर आफ्टर 1/2 inch का स्विंग अलाउंस हम मार्क करके वहाँ से शोल्डर मार्क करेंगे जो कि मैंने लिया है 2 inch बिकॉज दैट्स इनफ. और वहाँ पे भी स्विंग अलाउंस हमने ले लिया. अब हम बीच में मार्क करेंगे हमारा नेक कितना होना चाहिए, तो वो हमारा 5.5 लिया है मैंने, जनरली सबका अलग होता है. ऑल्सो वी विल टेक आफ्टर दिस जो 1 side शोल्डर जो ड्रॉप होगा जहाँ स्लीव नहीं होगी वहाँ पे हम कितना मार्क करें, वो है 7 inch अनटिल द जो हमारा आर्म होल भी था 7 inch. सो अब हम इसको एक कर्व के तरीके से मार्क कर देंगे लाइन को, एज यू कैन सी. और फिर हम इस कर्व की लाइन को कट कर लेंगे क्योंकि जिस साइड में हमारा शोल्डर ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे हम डोरी का यूज़ करने वाले हैं. सो हमने अब इसको कट भी कर लिया है. अब मैंने मेन क्लोथ को भी अस्तर की तरह सेम साइज़ और शेप में कट कर लिया है. सो नाउ वी विल टेक द फ्रंट साइड फर्स्ट. अब हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से, दोनों की फ्रंट साइड को उल्टा कर देंगे. ऐसे और फिर उसको प्रॉपर सही करके हम स्टिच करेंगे. इस वाली शेप में और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो स्टिच अंदर रह जाएगा और दोनों का फ्रंट पार्ट सही सामने आ जाएगा.
अब हम इसको सीधा कर लेंगे एंड ये कुछ ऐसा लुक देगा। अब हम इसकी बाउंड्री पे स्टिच करेंगे जिससे कि ये सेटल हो जाएगा। अब ये हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड्स काट लेंगे एंड ये सेम हम बैक पार्ट पे भी करेंगे, डिटो वही प्रोसीजर के साथ जिससे हमने फ्रंट पार्ट किया था। सो आई एम स्किपिंग दिस स्टेज बिट फास्टली। सो ये रेडी हो चुका है और फ्रंट पार्ट भी रेडी था। तो अब हम सबसे पहले करेंगे शोल्डर को जॉइन। यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे अबाउट जो हमने सिंगल लाइंस लिया था 1 इंच, वो हम रखेंगे। सो अब ये तो जॉइन हो चुका है, अब हम बनाएंगे स्लीव्स। So let's see how to make the sleeves. Sleeves दो पार्ट में बनने वाली है। शोल्डर तक हमारा पार्ट होगा as our size और फिर नीचे से वो होगा फ्लोई। So 9 इंच हमारा आर्म होल है, जो हम टोटल आर्म होल की लेंथ लेते हैं उसका हाफ। वहाँ से हम मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन जो कि होगी हमारी स्लीव की लेंथ 22, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग अलाइंस लेंगे 24 इंच तक का। सो 9 इंच जो हमने ऊपर मार्क किया था वहाँ से हम राउंड शेप में 23.5 या फिर 24 इंच मार्क करते जाएंगे ताकि नीचे से थोड़ा सा फ्लोई हो सके और ऊपर से उतना ही रहे। So now let's cut it. शेप देंगे उसके लिए हम एक साइड से 3 इंच का मार्क लगा के वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। फिर वहाँ से हम लोग ट्रायंगल शेप दे देंगे कुछ इस तरह। अब हम हमारा आर्म होल लेंथ जो कि 8 इंच है उस ट्रायंगल पे उसको मार्क करेंगे और उस पॉइंट से हम एक कर्व का निशान बनाएंगे कुछ इस तरीके से। पहले उस लाइन के थोड़ा सा नीचे और फिर उस लाइन के थोड़ा सा ऊपर से लेके हम ये वाला कर्व बनाएंगे। ये होती है एक स्लीव की शेप। सो वी'ल डू इट एंड नाउ वी विल कट इट। So now we have 4 parts of our sleeves. So first let's take 1 part to join. So अब ये दोनों जो क्लोथ हैं ये ऑलरेडी उल्टी साइड पड़े हैं। So we will just stitch it like this.
सो अब ये सेम हम दूसरे वाले पार्ट पर भी कर देंगे, दोनों को स्टिच कर देंगे और रेडी कर लेंगे। सो अब ये रेडी है और ये सही डायरेक्शन में स्लीव रखा हुआ है और यहाँ पे हमें स्टिच देना है। सो हम इस क्लोथ को उल्टा करेंगे। स्टिच हमने लगा दिया है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे साइड से, इस साइड और इस साइड दोनों साइड से, ताकि जब ये बंद हो तो साइड्स अच्छे लगे। कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम पूरी बाउंड्री को यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक इस बाउंड्री को फोल्ड कर लेंगे। सो लेट्स डू दिस। सो ये स्लीव स्टिच हो गई है और अब हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे। ये जहाँ पे स्टिच लगाया हुआ है वहीं पे हम इलास्टिक स्टिच करेंगे। इलास्टिक को थोड़ा सा खींच के स्टिच करना पड़ता है ताकि स्लीव वहाँ से थोड़ी सी रिड्यूस हो सके। लेट्स डू इट। स्लीव रेडी हो चुकी है। स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी क्योंकि वो कंप्रेस्ड हो चुकी है। अब हम स्लीव को ड्रेस पे अटैच करेंगे। सो स्लीव का जो अपर मोस्ट एरिया होता है और जो शोल्डर का अपर मोस्ट एरिया होता है, उन दोनों के राइट साइड को एक दूसरे के अगेंस्ट करके हम वहाँ से स्टिच शुरू करेंगे दोनों साइड पे, बैक साइड और फ्रंट साइड भी। सो स्लीव्स लग गई है। अब हम साइड स्टिच करेंगे। ड्रेस को उल्टा कर लेंगे पहले और अब इस साइड पे हम लोग स्टिच लगाएंगे जो स्लीव की साइड पे नीचे से जाता है, वहाँ पे एक इंच का हम नीचे तक स्टिच लगा लेंगे जैसे हमने मार्क किया था। और फिर हम हाफ स्लीव को स्टिच लगाएंगे जहाँ तक हमारा इलास्टिक है, आर्म होल से इलास्टिक तक का। और अब जो हमारा स्लीवलेस साइड है वहाँ पे हम चेन यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पे चेन स्टिच कर देंगे। और फिर नीचे तक उसमें भी हम स्टिच लगा देंगे। सो अब ये कंप्लीट हो चुकी है, बस एक ही स्टेप बाकी है, हमें इस शोल्डर पे डोरी लगानी है। ये डोरी मैंने अस्तर की बनाई है।
अपनी साइज को मार्क करके उसी साइज की डोरी लगा लेंगे। डोरी लगाने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है। एंड नाउ लेट्स सी हाउ आवर ड्रेस टर्नड आउट।